ओके हेलो स्टूडेंट, कैसे तुम लोग सब? बढ़िया, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 3, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अलजेब्रा का 3rd चैप्टर है। अच्छा, अब इस चैप्टर का वेटेज यानी बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर कितने मार्क्स का होगा? तो ये जो चैप्टर है ये होगा 8 मार्क्स का विद ऑप्शन। ये चैप्टर होगा 8 मार्क्स का विद ऑप्शन। अच्छा, अब इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहला हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, और सबसे आखिर में अपन पढ़ेंगे द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ये 4 टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये 4 टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन के साथ कितने मार्क्स का ये चैप्टर है? 8। यानी ये चैप्टर अगर तुमने पूरा अच्छे से कर दिया तो ये चैप्टर तुमको कितने मार्क्स दिलाएगा? 8। 40 मार्क्स का रिटन पेपर होता है, 10 मार्क्स का इंटरनल होगा। तो रिटन के 40 में से कितने पासिंग होते हैं? 14 मार्क्स पासिंग होते हैं। तो ये एक ही चैप्टर अगर हम अच्छे से पूरा डेडिकेटेडली कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 8 मार्क्स अपने को मिल जाएंगे। अब ये चैप्टर के टॉपिक क्या क्या है? पहला पढ़ेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस एक बार समझ में आ गया तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया तो nth टर्म ऑफ एन एपी समझ में आएगा और सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी समझ में आएगा। यानी 4 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं हम सीक्वेंस से। ये सीक्वेंस क्या होता है? अभी यहां पर मैं सीक्वेंस का डेफिनेशन लिख रहा हूं। ये सीक्वेंस क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, इट इज एन कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर, डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल, अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल। ये सीक्वेंस का डेफिनेशन है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस जो है वो नंबर का कलेक्शन होगा। क्या सारे नंबर के कलेक्शन को सीक्वेंस कहते हैं? नहीं, सारे नंबर्स के कलेक्शन को सीक्वेंस नहीं कहते। तो फिर सर, किस टाइप के नंबर्स के कलेक्शन को हम सीक्वेंस कहेंगे? अगर नंबर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, कोई इस रूल के मुताबिक, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रूल के मुताबिक अगर तुमने नंबर को अरेंज किया है, एक पर्टिकुलर रूल के मुताबिक, ठीक है, सिस्टमैटिक ऑर्डर में तुमने नंबर को अरेंज किया है, तो ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम सीक्वेंस कहेंगे। ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर को हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे।
मैं फिर से बोल रहा हूं कि सीक्वेंस का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। सीक्वेंस जो होता है वो नंबर का कलेक्शन होता है। सर अपने को कैसा समझ में आएगा कि कौन सा नंबर का कलेक्शन सीक्वेंस है और कौन सा नहीं है? तो सीक्वेंस का डेफिनेशन बोलता है कि ये ऐसा नंबर का कलेक्शन होगा जिसमें नंबर जो होंगे वो अरेंज होंगे एक ऑर्डर में, वो भी कुछ रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सम रूल, कुछ रूल के मुताबिक। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं, अब यहां पर मैं एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 .. ये पहला एग्जाम्पल लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल भी लेता हूं, एग्जाम्पल 1, 6, 11, 30, 60, 80, 90 .. ठीक है। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना, तुम्हारे पास दो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। कितने कलेक्शन ऑफ नंबर्स है? दो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। अभी इनमें से कौन सा कलेक्शन सीक्वेंस होगा और इनमें से कौन सा कलेक्शन सीक्वेंस नहीं होगा, वो ध्यान दे रहे, वो समझाने जा रहा। अब यहां पर देखो, यहां पर हर नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? वन का डिफरेंस है। हर नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? वन का डिफरेंस है। अब नीचे वाले एग्जांपल में देखते हैं, इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस? पांच का। इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस? पांच का। इसके और इसमें कितने का बीच का डिफरेंस? दो का। इसमें तीन का, इसमें दो का, इसमें एक का। ठीक है, तुम्हारे पास दो नंबर ऑफ कलेक्शन थे। अब डेफिनेशन क्या बोलता है? सीक्वेंस जो होगा वो नंबर का कलेक्शन होगा जिसमें नंबर हम अरेंज करेंगे ऑर्डर में, वो भी एक रूल के मुताबिक, वो भी एक रूल के मुताबिक। अब तुम इस डेफिनेशन को ध्यान में रखकर मुझको बता दो कि इस दोनों एग्जांपल में से कौन सा एग्जांपल सीक्वेंस है और कौन सा एग्जांपल सीक्वेंस नहीं है। तो तुम बोलोगे सर पहला वाला एग्जांपल सीक्वेंस है, दूसरा वाला एग्जांपल सीक्वेंस नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? सर रूल बोलता है कि नंबर अरेंज होंगे ऑर्डर में, वो भी रूल के मुताबिक, और यहां पर हमको रूल ये समझ में आ रहा है कि हर नंबर के बाद कितने का डिफरेंस है? वन का। हर नंबर के बाद में कितने का डिफरेंस है? वन का। और यहां पर सर जो डिफरेंस है ना वो कॉमन नहीं है, यहां पर डिफरेंस कॉमन है, यहां पर डिफरेंस कॉमन नहीं है। तो सर ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर है ये पर्टिकुलर रूल और ऑर्डर के मुताबिक नहीं है, तो ये सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सर ये जो सीक्वेंस है इसमें नंबर प्रॉपर सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज है, वो भी एक रूल के मुताबिक, तो सर ये जो सीक्वेंस है ये होगा, ये जो कलेक्शन है ये क्या होगा? सीक्वेंस होगा। और ये कलेक्शन सीक्वेंस नहीं है, बट ये कलेक्शन सीक्वेंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर अरेंज है प्रॉपर सिस्टमेटिक रूल के मुताबिक अरेंज किया गया नंबर को, और यहां पर कोई रूल नजर नहीं आ रहा। अब मैं रूल की बात कर रहा हूं, रूल का मतलब क्या भाई, वो भी समझ लो। यहां पर हर नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है, यहां पर हर नंबर के बीच का डिफरेंस कॉमन नहीं है, इस वजह से ये कलेक्शन सीक्वेंस नहीं, ये कलेक्शन सीक्वेंस। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? पक्का? तो सीक्वेंस समझ में आया, अच्छा ठीक है। अब आगे डस्टर भी क्या, डस्टर भी अपनी कपड़ा होगा लेके आ। अभी यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात और निकाल देता हूं, अभी तुम लोग क्या नोट करोगे, सीक्वेंस का डेफिनेशन नोट कर लो फटाफट, सीक्वेंस का डेफिनेशन नोट कर लो फटाफट। तुमने सीक्वेंस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? इन अ सीक्वेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट देन सच सीक्वेंस इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन अ सीक्वेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट देन सच सीक्वेंस इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है सेम। एग्जाम्पल अभी यहां पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं सीक्वेंस का, सीक्वेंस में ले रहा हूं वन फोर सेवन टेन थर्टीन, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है अपने को पता करने का है कि ये सीक्वेंस ए पी है या नहीं। ठीक, सीक्वेंस पे नंबर है, सीक्वेंस पे कितने नंबर है? वन टू थ्री फोर फाइव, पांच नंबर है सीक्वेंस पे। हर नंबर को हम टर्म बोलेंगे। सीक्वेंस पे हर नंबर को हम क्या बोलते हैं? टर्म। सीक्वेंस पे जितने भी नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म। ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। ठीक है, ओके। और हर टर्म का अपना पोजिशन होता है, हर टर्म का अपना पोजिशन होता है। अभी ये टर्म पहला है तो ये हो गया टर्म वन, ये हो गया टर्म टू, इसका पोजीशन क्या है? टू। इसका पोजीशन क्या है? थ्री। इसका पोजीशन क्या है? फोर। इसका पोजीशन क्या है? फाइव। सीक्वेंस में नंबर होंगे, हर नंबर को हम क्या बोलेंगे? टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म। अब यहां पे लिखते हैं टर्म वन, टर्म वन क्या है? वन। टर्म नंबर टू क्या है? फोर। टर्म नंबर थ्री क्या है? सेवन। टर्म नंबर फोर क्या है? टेन। टर्म नंबर फाइव क्या है? थर्टीन। तो सीक्वेंस में कितने टर्म है? पांच टर्म है और हर टर्म का अपना पोजीशन है। अच्छा, यहां पर एक बात नोट कर लेना, टर्म के पोजीशन को डिनोट किया जाता है लेटर एन से। ये बात याद रखना, टर्म के पोजीशन को डिनोट किया जाता है लेटर एन से और टर्म को डिनोट किया जाता है लेटर टी से। टी का मतलब होता है टर्म और एन का मतलब होता है टर्म का पोजीशन। टी का मतलब होता है टर्म और एन का मतलब होता है टर्म का पोजीशन। अच्छा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अपने को देखने का है कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। ठीक, अब सीक्वेंस एपी है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो तुम क्या करो, दो टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड करो, दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। अब वन के बाद कौन सा टर्म है? फोर, तो ये कंसेक्यूटिव हो गया। फोर के बाद कौन सा टर्म है? सेवन, ये कंसेक्यूटिव हो गया। सेवन के बाद कौन सा टर्म है? टेन, ये कंसेक्यूटिव हो गया। टेन के बाद कौन सा टर्म है? थर्टीन, ये कंसेक्यूटिव हो गया। तो तुम कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड करो। क्या फाइंड करो? डिफरेंस फाइंड करो। तो ठीक, सबसे पहले आप डिफरेंस निकालते हैं टर्म टू माइनस टर्म वन, यानी कि फोर माइनस वन कितना आया? थ्री। अब ध्यान देना, टर्म थ्री माइनस टर्म टू यानी कि सेवन माइनस फोर कितना आया? थ्री। टर्म फोर माइनस टर्म थ्री यानी कि टेन माइनस सेवन कितना आया? थ्री। टर्म फाइव माइनस टर्म फोर यानी कि थर्टीन माइनस टेन कितना आया?
थ्री, हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का तुमने डिफरेंस फाइंड किया, हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टेंट आया, कॉन्स्टेंट आया, कॉन्स्टेंट यानी सेम आया, हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है, ठीक है, हाँ या ना। अब यहां पे लिख दो, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट, कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टेंट है, यानी कि सेम है, देयरफॉर द सीक्वेंस इज एन एपी, इसलिए ये सीक्वेंस क्या कहलाया जाएगा, एपी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस में हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कॉन्स्टेंट आ रहा है तो वही सीक्वेंस क्या कहलाया जाएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर सीक्वेंस में हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो सीक्वेंस क्या कहलाया जाएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस में नंबर होंगे, हर नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्म, और हर टर्म का अपना पोजिशन होगा, टर्म के पोजीशन को डिनोट किया जाता है बाय लेटर एन से और टर्म को डिनोट किया जाता है बाय लेटर टी से। डिफरेंस कैसे निकालोगे तो वो भी बता दिया, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का तुमको डिफरेंस निकालना है और ये पहचानना है, ये देखना है कि डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं। अगर डिफरेंस कांस्टेंट आया, सेम आया, तो वो सीक्वेंस बनेगा एपी, अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आएगा तो वो सीक्वेंस एपी भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई, सीक्वेंस क्या होता है, नंबर का कलेक्शन होता है जिसमें नंबर एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते हैं कुछ रूल के मुताबिक। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हो, अगर सीक्वेंस में हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आया तो वही सीक्वेंस क्या कहलाया जाएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आ रही, ठीक है। सीक्वेंस में बहुत सारे नंबर होंगे, उन नंबर को हम बोलते हैं टर्म, क्या बोलते हैं, टर्म, और हर टर्म का अपना एक पोजीशन होता है, टर्म के पोजीशन को किस लेटर से डिनोट किया जाता है, लेटर एन से, और टर्म को डिनोट किया जाता है किस लेटर से, लेटर टी से। बात समझ में आ रही, मैं आप लोगों को पांच मिनट दो मिनट दे रहा हूं, फटाफट कॉपी करोगे, क्या कॉपी करो, ये दो कॉपी करना, सिर्फ डिफाइन कॉपी करना, फटाफट कॉपी करो, सुनना सारे के सारे बच्चों, म्यूट बटन बंद मत करना, म्यूट ऑन यहां पर ऑफ कर दे रहा हूं। अब ये डिफाइन भी मिटा दे रहा हूं, ये चीज रख रहा हूं क्योंकि ये अपने को भी काम आने वाला है, क्या काम आएगा बताऊं। अच्छा, इधर एक और चीज बता देता हूं, इन एन एपी कॉमन डिफरेंस is denoted by letter D. AP में जो common difference होता है उसको denote किया जाता है letter D से, D का मतलब common difference, ये बात याद रखना। और एक बात, in an AP first term is denoted by लेटर ए, और एपी में जो पहला टर्म होता है उसको डिनोट किया जाता है लेटर ए से। मैंने क्या बताया, इधर देखो, सीक्वेंस में बहुत सारे नंबर होते हैं, उन नंबर को हम बोलते हैं टर्म, और टर्म को डिनोट करते हैं लेटर टी से, हर टर्म का अपना पोजीशन होता है, वो पोजीशन को डिनोट किया गया लेटर एन से। अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है, एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डिनोट किया जाएगा लेटर टी से, और एपी का जो पहला टर्म होता है, एपी में जो पहला टर्म होता है उसको डिनोट किया जाता है लेटर ए से। अभी इसी बेसिस पर अभी अपन करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.1, ध्यान देना, प्रैक्टिस सेट 3.1
अब क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। आगे क्वेश्चन बोलता है इफ दे आर एपी, अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर वो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर देना। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, यानी तुमको सीक्वेंस दिया रहेगा, तुम्हें यह पता करना है कि वो एपी है या नहीं, और अगर वो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी बता दो। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सीक्वेंस 2, 4, 6, 8। अब ये सीक्वेंस एपी है या नहीं, पहला ये फाइंड कर। अब ये सीक्वेंस में नंबर है, हर नंबर को अपन बोलते हैं टर्म, कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, चार टर्म। तो यहां पे लिखता हूं टर्म वन 2 है, टर्म नंबर 2 4 है, टर्म नंबर 3 6 है, और टर्म नंबर 4 8 है। चारों टर्म लिख दिया, अब क्या करेंगे, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो पहला डिफरेंस निकालेंगे t2 minus t1 यानी 4 minus 2 आया। फिर निकालेंगे t3 minus t2, term 3 minus term 2 यानी कि 6 minus 2, कितना आया, 2 आया। फिर एक लास्ट निकालेंगे term 4 minus term 3, t4 minus t3, तो ये होगा 8 minus 6, ये कितना आया, 2 आया। हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आया, 2 आया। यस और नो आ रहा है। अब एक बात बताओ, क्या ये सीक्वेंस एपी हुआ या नहीं हुआ, इधर 4 आएगा 6 minus 4, क्या ये सीक्वेंस एपी हुआ। तो यहां पे लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनी कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट। तुम लिखकर बता रहे हो कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा है, कॉन्स्टेंट है, सेम है। देयरफॉर द सीक्वेंस इज एन एपी, इसलिए ये सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आगे क्या बोला, इफ दे आर एपी फाइंड देयर कॉमन डिफरेंस। अब यहां पर लिखेंगे अपन कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस को किस लेटर से डिनोट किया जाता है, डी से। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन ये था कि तुम्हें सीक्वेंस दिया है, तुम्हें पता करना था कि वो सीक्वेंस एपी है या नहीं, तो उसके लिए तुमने हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकाला। फिर तुमने देखा हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गया, एपी। अगर ये सीक्वेंस एपी है तो ये कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 2। इस तरह तुमको ये क्वेश्चन करना था। 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट कॉपी कर दो, डू इट फास्ट। तो ये फर्स्ट सीक्वेंस देखा, अब सेकंड सीक्वेंस। अब इसमें सेकंड सीक्वेंस तुमको दिया था टेक्स्ट बुक में, 2, 5/2, 3, 7/2, ये दूसरा सीक्वेंस दिया था। अब अपने को पता करना है कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं, ये सीक्वेंस है, अपने को फाइंड करना है कि ये एपी है या नहीं। सीक्वेंस में जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्म, और टर्म को डिनोट किया जाता है लेटर टी से।
और हर टर्म का अपना एक पोजीशन होता है। अब यहां पर टर्म नंबर वन क्या है, बोलो टर्म नंबर वन क्या है, टर्म नंबर टू क्या है, y अपॉन टू, टर्म नंबर थ्री क्या है, टर्म नंबर फोर क्या है, ग्रेट। अच्छा आपने कुछ सबसे पूछ रहा हूं, अपने को क्या पता करने का है कि ये सीक्वेंस AP है या नहीं, उसके लिए अपन हर दो टर्म के बीच का क्या फाइंड करेंगे। वेरी गुड, तो सबसे पहला डिफरेंस फाइंड करेंगे T2 माइनस T1, अब ध्यान से देखना, तो T2 है phi अपॉन टू, फिर माइनस T1 कितना है 2, अब दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस की साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो phi का phi रहेगा, माइनस का माइनस, 2 2 4, डिनोमिनेटर में आ गया 2, तो ये हो गया 1 अपॉन 2, ठीक है। अब अपन फाइंड करेंगे T3 माइनस T2, तो T3 है 3 माइनस टर्म 2 कितना है 5 अपॉन 2, अब यहां पर भी दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस की साइन है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 6, माइनस का माइनस, 5 एज इट इज आया, डिनोमिनेटर में आ गया 2, ये हो गया 1 अपॉन 2। अब अपन फाइंड करेंगे टर्म 4 माइनस टर्म 3, तो टर्म 4 क्या है 7 अपॉन 2, माइनस टर्म 3 क्या है 3, से दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस की साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 तो 7 एज इट इज, माइनस 3 2 6 अपॉन 2, तो ये हो गया 1 अपॉन 2। अब टर्म 4 के आगे कोई टर्म नहीं है तो खत्म हो गया। अब ये देखना है कि डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं, बताओ डिफरेंस कांस्टेंट है तो क्या ये सीक्वेंस एपी हो गया, तो स्टेटमेंट लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट फुल स्टॉप, देयरफॉर द सीक्वेंस इज एन एपी, ये सीक्वेंस एपी है, एंड कॉमन डिफरेंस इज 1 अपॉन 2, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है 1 अपॉन 2। इस तरह करना था ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आया, इसे जल्दी कॉपी करो। थर्ड क्वेश्चन देख लो, अभी अपने को भी पता करना है कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं, ठीक है। अब सीक्वेंस में नंबर को क्या बोलते हैं, टर्म, यहां पे लिखता हूं टर्म 1 माइनस 10, टर्म 2 माइनस 6, टर्म 3 माइनस 2, टर्म 4 2, चारों टर्म लिख दिया। अब अपने को यह पता करना है कि ये एपी है या नहीं, इसके लिए क्या निकालेंगे, इसके लिए हम लोग हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। अब जरा इसको ध्यान से देखना, तो पहले आएगा टर्म 2 माइनस टर्म 1 यानी कि माइनस 6, फिर माइनस टर्म 1 भी माइनस में, तो ब्रैकेट में लिखता माइनस है, इक्वल माइनस 6, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 10। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 10 में से 6 किया तो बचेगा 4, बड़ा नंबर प्लस में तो आंसर भी प्लस में,
फिर उसके बाद अपन फाइंड करेंगे t3 माइनस t2 यानी कि माइनस टू माइनस टर्म टू भी नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखा माइनस सिक्स। अब ये माइनस टू माइनस इंटू माइनस प्लस सिक्स माइनस प्लस माइनस तो ये भी आ गया फोर। अभी अपन फाइंड करेंगे टर्म फोर माइनस टर्म थ्री यानी कि टू माइनस टर्म थ्री क्या है माइनस टू तो टू माइनस इंटू माइनस प्लस तो टू प्लस टू हो गया फोर। अपन ने हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल दिया। अब तुम लोग मेरे को बताओ डिफरेंस कांस्टेंट आया या नहीं आया। डिफरेंस कांस्टेंट आया या नहीं आया। आया अच्छा अच्छा तो एक बात बताओ क्या ये सीक्वेंस एपी हुआ या नहीं हुआ। ओके अब यहां पर स्टेटमेंट क्या आएगा देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट। फिर लिखेंगे देयरफॉर द सीक्वेंस इज एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस इज व्हाट फोर। कॉमन डिफरेंस क्या है फोर। इस तरह करना था। अभी इसमें एक और क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर नहीं इसमें तीन क्वेश्चन और तीन है के सॉरी और पांच क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे ये जल्दी कॉपी करो। नंबर फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है इसमें सीक्वेंस में तुमको दिया है पहला 0.3 फिर दिया है 0.33 और फिर दिया है 0.333। अब तुमको ये फाइंड करने का है कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। अब इसका सॉल्यूशन टर्म वन है 0.3 ध्यान से देखना टर्म टू है 0.33 और टर्म थ्री है 0.333। अब हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड कर दे तो t2 माइनस t1 यानी 0.33 माइनस 0.3। अब इसको माइनस कैसा करते हो बता रहा हूं ध्यान से देखो 0.33 माइनस 0.3 तो ये 3 ये 0 ये पॉइंट ये 0 तो ये हो गया 0.03। अब आएगा t3 माइनस t2 यानी कि 0.333 माइनस 0.33। अब इसको भी माइनस करके बताता हूं 0.333 माइनस 0.33 तो ये 3 का 3 रहेगा 3 माइनस 3 0.0 तो इसका डिफरेंस आया 0.003। अब टर्म इसमें तीन ही टर्म थे तीन टर्म के आगे कोई टर्म नहीं है तो बस इतना ही डिफरेंस अपने को मिल गया। अब खाली देखना ये है कि क्या ये डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं। देखो इधर डेसिमल के बाद 1 0 है और इधर डेसिमल के बाद 2 0 है तो यानी ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पे लिखता हूं देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म
कॉन्स्टेंट. देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट एन एपी. इस वजह से ये सीक्वेंस एपी नहीं है. अगर एपी नहीं है मतलब कॉमन डिफरेंस भी नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नीचे ही बता दो. जीरो माइनस फोर माइनस एट माइनस टू है. अब तुमको फाइंड करना है कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं. तो सबसे पहला तुम लिखते हो यहां पर सॉल्यूशन, फिर टर्म लिखते हो. टर्म वन है जीरो, टर्म टू है माइनस फोर, टर्म थ्री है माइनस एट और टर्म फोर है माइनस टू है. अब तुम क्या करते हो, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हो, यानी टी टू माइनस टी वन, यानी माइनस फोर माइनस जीरो. तो आंसर क्या है, माइनस फोर. अब उसके बाद तुम निकाल रहे हो टी थ्री माइनस टी टू, यानी माइनस एट माइनस माइनस फोर. तो माइनस एट माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस. अब माइनस प्लस होता है माइनस, तो फोर आया. बड़ा नंबर एट है उसकी साइन माइनस, तो इधर भी माइनस. अब तुम निकाल रहे हो टर्म फोर माइनस टर्म थ्री, यानी माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस एट इक्वल माइनस ट्वेल्व. माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, माइनस प्लस हो गया माइनस, तो ये बचा फोर. बड़ा नंबर ट्वेल्व उसकी साइन माइनस, तो इधर भी माइनस. तो तुमने हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकाला और तुमने क्या देखा कि हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कॉन्स्टेंट आ रहा है. तो तुमने यहां पे लिख दिया देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन एनी कंसेक्यूटिव टर्म is constant, therefore the sequence is an AP. अब यह sequence क्या है, AP है. और इस sequence में common difference क्या है, and the common difference is minus 4. Clear? ठीक है. अभी क्या करना है तुमको, अभी इसमें तीन क्वेश्चन बचे हैं, वो तीनों क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क है. वो तीनों क्वेश्चन कल करके बताना. कल जब हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा तो इसके आगे से स्टार्ट होगा. अभी मैं दो मिनट के लिए रुक रहा हूं, फटाफट कॉपी करो और उसके बाद मुझे बताओ कि ये तुम लोगों ने कॉपी करा या नहीं करा. बड़ा फटाफट फास्ट.